नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शुक्रवार को देर दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र के रायसेन शहर पहुंचे। शिवराज यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। शिवराज सिंह का काफिला भोपाल से लगभग 11 बजे रायसेन की ओर रवाना हुआ। जैसे ही रायसेन की सीमा में यह काफिला पहुंचा तो क्षेत्र के कार्रवाई शक्ति केंद्र पर शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद रायसेन जिला मुख्यालय के सागर मार्ग पर बने हुए श्री राम परिसर में रखी गई सभा में शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचकर लाडली बहनों और भांजे भांजियों को नमस्कार करते हुए प्रणाम किया। वहीं शिवराज के कुछ चाहने वालों ने शिवराज सिंह चौहान को तराजू पर लड्डू से तोला, जिसका आयोजन मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता भाजपा के राजेंद्र सिंह, राहुल सिंह राठौर, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया। जिसकी सेवा का सौभाग्य मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, अपने नेता नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। पहले भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे सदैव यहाँ से मिला है, लेकिन इस बार का प्रेम अभिभूत कर देने वाला है। अभी मेरी बहनें गुल्लक लेके और हाथ में 10 रुपए का नोट लेके आई। यहाँ भी, सीमा पे भी, हर गांव में मुझे 10-10 रुपया चुनाव लड़ने के लिए बहनें दे रही है। नौजवान पूरी ताकत से साथ खड़े हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, भांजे भांजियों का साथ भी मिल रहा है। मन में एक ही संकल्प का उदय हुआ है। मुझे जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम दिया, मैंने पूरी प्रमाणिकता के साथ किया। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और अब फिर से सांसद का दायित्व निभाने का आदेश मुझे पार्टी ने दिया है। अब मेरे मन में एक ही संकल्प है कि हमारी टीम जो यहाँ खड़ी है, डॉक्टर प्रभुराम जी, रामपाल जी, राकेश जी, पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता, उस टीम के साथ मिलके विकसित भारत के लिए विकसित रायसेन और विदिशा क्षेत्र बनाए और विकास भी आदर्श विकास, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग व्यापार हो, रोजगार हो, अध्यात्म हो, कृषि की मजबूती हो, किसानों की, महिला सशक्तिकरण हो, भांजे भांजियों का कल्याण हो, हर दृष्टि से अपने संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाना है और प्राणों से प्यारी जनता का जो बेहतर से बेहतर कल्याण हो सकता है, जैसे गरीब बहने कैसे लखपति बहना बने, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, कई तरह के काम धंधे प्रारंभ करके। तो इसी संकल्प के साथ आज मैं रायसेन की इस पवित्र धरा को प्रणाम करके इस जिले में अपने चुनाव अभियान का शुभारंभ कर रहा हूँ। कानून अपना काम करता है, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।